खाने के इतने शौकीन थे, मुर्गियों में दहशत थी। एक मुर्गी इतनी गधी, वो घबराहट के मारे भैंस का कॉस्ट्यूम पहन के निकली बाहर। तो पता ही नहीं था ये दूध के भी शौकीन है। उसने दूध निकालना शुरू किया, उसने फिर अंडे दे दिए। कितने अंडे निकालने? नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। जैसे आपको पता है, हमने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, मैडनेस मचवाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे। ये जो शो है ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है। ये एक कॉमेडियन शो है। इस शो के बारे में सारी डिटेल्स हमने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको वही पहले की तरह ही कुछ क्लिप्स नहीं आई हैं इसके सामने, तो हम आज आपको उसी क्लिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग खुश हो रहे हैं इनकी कॉमेडी को देख देख कर। तो मैं आपको बता दूं कि मैडनेस मचवाएंगे इंडिया को हंसाएंगे इस शो पर एज एन गेस्ट इस बार आई हैं काम्या पंजाबन और ग्रेट खली, जिनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। साथ ही इस शो में आई हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उनके बारे में। मैं आपको बता देती हूँ, आपने नागिन का सीजन 1 और 2 तो देखा होगा, इसमें जो नागिन की शेषा थी, यस वही आई है इस शो में एज एन गेस्ट। आपने बिल्कुल सही सोचा, जो मैंने आपको बताया आपने सोच लिया। तो देखिए ये क्लिप में क्या होता है, इन लोगों का काफी अच्छे तरीके से वेलकम होता है। इसके बाद थोड़ी सी कॉमेडी होके कंटेस्टेंट बोलते हैं कि इनको इतनी प्यारी नागिन है, अगर कोई नागिन आप किसी को काटे तो वो बोले अरे ये तो चींटी ही काट रही है। तो ये क्लिप आप जरूर देखिए, इसके आगे के क्लिप के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अदा खान, सुरभि चारना, काम्या पंजाबन एंड द ग्रेट खले। इतनी प्यारी नागिन ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये डस भी ले तो आदमी चूटी काट के जहर निकाल दे। इसके बाद की जो सेकंड क्लिप आती है उसमें एक सपेरे की एंट्री होती है। जी हाँ, एक सपेरे की एंट्री होती है। वो अपनी सपेरे वाली बास्केट लाता है, उसमें एक नकली, ओरिजिनल नहीं नकली, हाथ में नकली सांप रखे होता है। और वो आते चलते वॉक करते हुए आता है और बोलता है कि इसको कहीं किनारे रख देता हूँ, नहीं तो दिल्ली की लड़की है मोमोज का डिब्बा समझ के खाने बैठ जाएगी। इसको लेकर सभी बहुत हंसते हैं। ये क्लिप जरूर देखिए आप एक बार, इसके बाद की क्लिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रख देता हूँ हाथ में, लेके क्या करूंगा, ये तो दिल्ली की लड़की है मोमोज का डिब्बा समझ के खोल लेगी। इसके बाद की जो क्लिप आती है इसपे कंटेस्टेंट बोलते हैं कि ग्रेट खली के लिए था ये, ग्रेट खली के लिए ये था। तो वो बोलती है, मतलब कंटेस्टेंट बोलते हैं अंडे खाने के इतने शौकीन थे कि मुर्गियों में कहाँ दम था। एक मुर्गी बहुत पागल सी थी, उसने अपने मन में सोचा कि मैं इससे कैसे बचूंगी, तो वो कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकली। ये क्लिप जरूर देखिए एक बार। खाने के इतने शौकीन थे, मुर्गियों में दहशत थी। एक मुर्गी इतनी गधी, वो घबराहट के मारे भैंस का कॉस्ट्यूम पहन के निकली बाहर। तो ये जो मैं अब बताने वाली हूँ वो होगी लास्ट क्लिप आज के वीडियो की। तो अब क्या होता है, वही कंटेस्टेंट रिपीट ये बोलते हैं ये दूध के भी बहुत शौकीन थे, ये दूध निकालने लगे तो अंडा दे दी। इसको देख के ग्रेट खली का, आखिर ये एक एग्रेसिव वाला लुक नहीं है, माहौल ऐसा दिखाया गया है प्रोमो वीडियो में यानी क्लिप में कि वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और उठते हैं और उनके बालों को पकड़ के बोलते हैं कि बताओ अब कितने अंडे थे, ऐसा बोल देते हैं और काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ तक कि इस प्रोग्राम को, जो ये प्रोग्राम जिनके ऊपर, मतलब इसकी जो होस्ट है वो तक डर जाती है, ये सब लोग डर जाते हैं। ग्रेट खली उनको इसे मार भी देते हैं और वो जमीन पर लेट जाती है। तो ये क्लिप आप बिल्कुल जरूर देखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट क्लिप है ये। पता ही नहीं था ये दूध के भी शौकीन है। उसने दूध निकालना शुरू किया, उसने फिर अंडे दे दिए। कितने अंडे निकालने? और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बनी रहिएगा बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।